हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू धमाका स्टॉक चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इजी ट्रिप प्लानर्स और इजी माई ट्रिप शेयर के बारे में। तो पहले हम लोग इस शेयर का फंडामेंटल डाटा चेक करेंगे, उसके बाद इस शेयर का टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस करेंगे एंड उसके बाद जानेंगे इस शेयर का नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है। तो पूरा डिटेल्स जानने के लिए वीडियो में अंत तक बन रहे। तो फ्राइडे के दिन ये शेयर आपका हाई गया था 427.35, लो गया था 388.45 एंड फ्राइडे के दिन इस शेयर ने आपका रिटर्न दिया है 5.82% का एंड क्लोज हुआ है 415.65 पे। इस कंपनी का अभी मार्केट कैपिटल है ₹9031.66 करोड़, एंटरप्राइज वैल्यू है ₹8803.38 करोड़ एंड पीई रेशियो है 72.17। आज के डेट पे इस कंपनी के ऊपर किसी भी तरीके का कुछ भी आपका डेप्थ नहीं है। कंपनी बिल्कुल ही एक आपका डेप्थ फ्री कंपनी है, जो कि फंडामेंटली एक अच्छा बात है एंड कंपनी के पास अभी कैश है ₹228.28 करोड़ एंड इस कंपनी का कैश फ्लो एज पर प्रॉफिट का रेशियो है 1.44। अगर किसी भी कंपनी का कैश फ्लो एज पर प्रॉफिट का रेशियो एक और एक से ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं और यहाँ पे एक से ज्यादा ही है। इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर है ₹5.76, रिटर्न ऑन इक्विटी है 46.47% एंड ROCE है 65.49%, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है। इस कंपनी में लास्ट ईयर में प्रॉफिट ग्रोथ हुआ था 79.80%। ये जो कंपनी है इजी ट्रिप प्लानर्स, इस कंपनी में प्रोमोटर्स का होल्डिंग है 74.90%, पब्लिक का होल्डिंग है 19.35%, FII का होल्डिंग है 3.44% एंड DII का होल्डिंग है 2.31%। अगर किसी भी कंपनी में प्रोमोटर्स का होल्डिंग 40% और उससे ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं और यहाँ पे 40% से ज्यादा ही है। और एक चीज देखिए, ये जो आपका 74.90% प्रोमोटर्स का होल्डिंग है, इसमें आपका कुछ भी शेयर प्लेस नहीं है। प्लेजिंग शेयर का जो परसेंटेज है बिल्कुल जीरो है, जो कि फंडामेंटली एक अच्छा बात है। और एक चीज देखिए, ये कंपनी हर एक ईयर पे अच्छा खासा आपका रेवेन्यू भी जनरेट करता है, कंटिन्यूअसली प्रॉफिट में भी है, जो कि फंडामेंटली एक अच्छा बात है। और इस कंपनी ने अभी तक मैक्सिमम रिटर्न दिया है 276.86% का। ओके, ये जो कंपनी है इजी ट्रिप प्लानर्स, ये कंपनी आपका मनी कंट्रोल का टेक्निकल के हिसाब से डेली चार्ट में क्या है देखिए, वेरी बुलिश है। एक बार वीकली चार्ट में भी देख लेंगे, तो देखिए वीकली चार्ट में भी ये शेयर आपका वेरी बुलिश है। एक बार मंथली चार्ट में भी देख लेंगे, तो देखिए मंथली चार्ट पे ये शेयर आपका बुलिश है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सीधे चले जाएंगे इस शेयर का चार्ट पे एंड वहां पे जाके इस शेयर का चार्ट का भी एक बार एनालिसिस कर लेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हो सके तो बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाए। और एक बात, पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगे, तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मुझे हर रोज अच्छा अच्छा शेयर ढूंढ के उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए एनर्जी देता है। तो अभी देखिए मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का वन डे का चार्ट ओपन कर लिया। तो पहला चीज देखिए, इस जगह पे ये आपका है 30 अगस्त 2022 का दिन, यहाँ पे हम लोगों को एक आपका पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता दिखा था, जिस कैंडल में सुपर टेन ने बाई सेक्शन भी दिया था। तब से देखिए शेयर आपका अपटेन में है एंड लास्ट ट्रेडिंग डे पे मतलब फ्राइडे के दिन भी यहाँ पे हम लोगों को पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता दिखा एंड डेली चार्ट के हिसाब से अभी शेयर आपका 50 डेज 100 डेज एंड 200 डेज, तीनों मूविंग एवरेज का जो लाइन है इसके ऊपर ही टटकता हुआ दिख रहा है। RSI भी देखिए 60 का जो लेवल है वहां तक पहुंच चुका है और MACD भी आपका 0 पॉइंट से ऊपर है, मतलब डेली चार्ट में ज्यादातर इंडिकेटर यहाँ पे हम लोगों को बुलिश इंडिकेशन दिखा रहा है। ओके, और एक चीज देखिए, 1 सितंबर 2022 को प्रभु दास लीलाधर ने इस शेयर का आपका टारगेट दिया है ₹450। ओके, और 9 सितंबर 2022 को ICICI डायरेक्ट ने इस शेयर का आपका टारगेट दिया है ₹505। तो अभी इस शेयर का जो कारेंट मार्केट प्राइस है अराउंड आपका ₹415, अगर लगभग इसी रेंज पे इस शेयर को खरीदा जाए तो मेरे हिसाब से आने वाले लगभग 3 महीने में ये शेयर आपका ₹475 का जो टारगेट है उसको भी अचीव कर सकता है। लेकिन कुछ भी एक्शन लेने से पहले आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे एक बार जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूं, मैं यहाँ पे किसी भी तरीके का कुछ भी टिप्स नहीं देता हूं। तो मैं क्या करता हूं, मेरा जितना टेक्निकल एंड फंडामेंटल का नॉलेज है उसके ऊपर बेस करके वीडियो बना के आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं कि कौन सा शेयर टेक्निकली कैसा है, कौन सा शेयर फंडामेंटली कैसा है। तो आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।